मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुरादाबाद के नवीन नगर स्थित मानसरोवर कन्या इंटर कॉलेज में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्राओं ने जागरूकता के संदेश दिए। समाज सेविका रीता सिंह ने सभी छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में समाज में जागरूकता फैलाने के लिए सामाजिक संस्थाएं भी काम कर रही हैं। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस द्वारा लगातार महानगर के अनेक विद्यालयों में पहुंचकर मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है। शहर के नवीन नगर स्थित मानसरोवर कन्या इंटर कॉलेज में प्रश्नोत्तरी एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सिटी जनरल संवाददाता से बात करते हुए समाज सेविका ऋतु नारंग ने बताया कि मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत छात्राओं को जागरूक करने के लिए काम किया गया है। प्रेसिडेंट रीता सिंह जी के साथ आज यहाँ पर हम लोगों ने मानसरोवर स्कूल में आज बच्चों को मिशन शक्ति के बारे में पूर्णतः बात बताई। उनको हेल्पलाइन नंबर्स ही नहीं, आज जो सरकार उनके लिए सुविधाएँ और जो सरकार ने आज कुछ शुरुआत करी हुई है उनकी योजनाओं के बारे में बताया। बहुत ही खूबसूरत लगा, बच्चियों ने खुद बोला हम मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरीके से हम आदमी से ज़्यादा पावरफुल हैं। ये लाइन आज जब लड़कियों ने बोली तो लगा हाँ, मिशन शक्ति जो आज सीएम सर ने शुरू करा है वो वाकई में असफल होने के कगार में है। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षा समाज सेविका रीता सिंह ने कहा कि लगातार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं और हमें इसमें सफलता भी मिल रही है। उद्देश्य यही है कि छात्राओं को उनके अधिकार बताए जाए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। आज हमने ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक जागरूकता कार्यक्रम मिशन शक्ति के ऊपर लिया मानसरोवर इंटर कॉलेज में, जहाँ पे हमने करीब 40-50 बालिकाओं को जागरूक करने के लिए मिशन शक्ति पर हमारे दो वक्ता एग्जीक्यूटिव मेंबर ऋतु नारंग और डॉक्टर गीतकर्ण, इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ने जो कि केजी के कॉलेज में हैं, इन लोगों ने लेक्चर दिया इसके ऊपर और बहुत अच्छी तरह सरल भाषा में बच्चों से क्वेश्चन आंसर करते हुए इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई। बच्चों को जो बातें आज तक पता नहीं थी उन सब चीज़ों को बताया। आज मिशन शक्ति का क्या उद्देश्य है, कि कब से मिशन शक्ति चल रही है और इसका क्या प्रयोजन है, ये सब बच्चों को बताते हुए विभिन्न प्रकार के जो महिलाओं के लिए कानून हैं जो सरकार कार्य कर रही है उससे ये अनभिज्ञ थी उनको अवगत कराया अच्छी तरह, और बहुत सी समस्याएं जो बच्चों की थी वो भी बच्चों ने पूछी जिसका आंसर इन लोगों ने दिया। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम का संचालन हमारी एग्जीक्यूटिव मेंबर सरिता अग्रवाल ने किया और हमारी जॉइंट सेक्रेटरी, तीनों जॉइंट सेक्रेटरी आज मौजूद रहीं, भावना सक्सेना, एकता जैन और रूपा घोष। इसके साथ ही हमारी स्टैंडिंग कमेटी मेंबर मीता मलिक ने बराबर हमारा साथ दिया, स्पीकर के रूप में ऋतु नारंग और गीतकार।